15 दिन तो मरीज चुप है, उदास है, घबराहट हुई जा रही है, तो पहला रिस्पॉन्स की होंगे सारा कुछ तो है जिंदगी च, पैसा भी है जिंदगी च, तो तुसी तू क्यों परेशान है, उठ शाबाश खुश हो। उदो ये कोई नहीं समझता कि ये भी एक बीमारी है, पर इन्हां वास्ते भी एक स्पेशल डॉक्टर है जिहड़े कि जिन्हों मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल बोलते हैं या साइकेट्रिस्ट जिवें कि मैं या साइकोलॉजिस्ट जिस तरह तुसी। कोई भी बंदा देखता कहते जी साडा एक गवांढी है जी वह साइकेट्रिस्ट कोल या साइकोलॉजिस्ट कोल जांदा पिया है, तो ये भी एक लेबल एक स्टिग्मा उत्थे ही शुरू हो जाता है। साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट का लोगों का मतलब है कि पागलपंती है बीमारी, जबकि यह सच नहीं है। सच्चाई ये है कि मेंटल डिसऑर्डर बहुत सारे डिसऑर्डर है और साइकोसिस या पागलपन सिर्फ एक डिसऑर्डर है। जो फिजिकल हेल्थ की गल करते हैं कि अपना आला दुआला साफ होना चाहिए, सानू कोई जर्म्स या बैक्टीरिया कुछ किसी तरह की कोई बीमारी ना आ जाए, सेम वे मेंटल हेल्थ के विच भी साडा जरूरी है कि साडी इमोशनल सराउंडिंग बहुत अच्छी हो, ता ही असीं प्रोडक्टिवली चल पावांगे, एफिशिएंटली काम कर पावांगे, सोहनिया वाइब्स होणगे, सोहणे काम करांगे, सोहणे रिलेशनशिप्स होएंगे अपनी फैमिली लाइफ या वर्क प्लेस लाइफ। कोरोना का टाइम है तो जो आप कहते छोटे छोटे कोई किसी भी तरह का जर्म या बैक्टीरिया चीज ना हो कि आप बीमारी ना, सेम वे छोटी छोटी चीजा जोटिया छोटिया चिंतावान ने या छोटे छोटे मन भेद मुटाव होंगे ने उन्होंने काम करना बहुत जरूरी है ताकि एक वड्डी बीमारी का रूप ना ले जाए, भावे वह शरीरक हो या मानसिक हो। क्यों अपने बच्चे सबस्टांस अब्यूज पर जाते हैं, एक इमोशनल डिपेंडेंसी जी आज क्योंकि सारी रफ्तार भरी है, जो मेल फीमेल सारे काम कर रहे, पिछले जमाने की होंगे कि अगर एक परसन काम कर रहे हैं या घर है, अगर पेरेंट्स वर्किंग है तो ग्रैंड पेरेंट्स घर है, पर हूँ अज का जो युग है सारी बाहर है, सारी अपना घर है, आपस इमोशनल जी सी टूट भी जा रही है बिल्कुल, ते ओ एक तरह ना डिपेंडेंसी अल्कोहल या वो सब्सटेंस अब्यूज ते है जेडी जेडी चीजा फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या फिजिकल डिसऑर्डर्स दे वाल लेके जा रही है। अगर आप साइकोलॉजिकल या फिजिकल चीजा नु करिए ये बहुत फर्क नहीं है, इट्स अ वेरी थिन लाइन, ये दोनों कट ही है। एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट दे विच एक बेसिक डिफरेंस है या आपस विच की रिश्ता है, उस चीज नु ही आज क्लियर किया गया कि साइकोलॉजिस्ट इज फॉर अ काउंसलिंग पर्पस, लाइक काउंसलिंग सेशंस, एंड साइकियाट्रिस्ट जो है वो एक मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकता है। तो कोई भी किसी भी तरह के मानसिक तनाव या चिंतावां या कोई भी परेशानी या डिसऑर्डर्स होंगे ने तो असी होर तरीके लभदे हां, है ना। अगर आप पहली जो ये चीजा शुरुआत होंगे अगर उसी टाइम पे अगर असं मेडिकल हेल्प ली आने तो हो सकता है कि उस टाइम पे विद काउंसलिंग पर्पज सब कुछ ठीक हो जाए, पर क्योंकि इन्नी अवेयरनेस नहीं है आप इन्ना केस नू वर्स करके आने सारा जो भी आप कर सकते होंगे अपनी सूझबूझ के नाल ओ करके आप केस बहुत ज्यादा बिगाड़ लेंगे। एक चीज ये भी सर देखने आती है कि अगर हॉस्पिटल तक एक साइकियाट्रिस्ट तक मरीज आ भी जाए पर तो कई बार की होंगे अपने विच विच आले जे कोर्स जरा इनकम्प्लीट है, ये केस भी बहुत देखने आते हैं। तो ना कि मोस्टली जो पेशेंट है वो आपका इम्प्रूव हो जाते हैं और लगभग पूरे ठीक हो जाते हैं इन अराउंड 4 to 6 वीक्स टाइम, पर उस पिछों भी मेडिसिन जो कंटिन्यू चलनी चाहिए, जेडे के मेनू नहीं लगता कि 90% तो ज्यादा पेशेंट दवाइया नु बंद कर दे ही कर दे, एंड देन अगेन आफ्टर फ्यू मंथ्स वो दोबारा ओपीडी विच आ जाते हैं, रिलैप्स हो जाते हैं, रिलैप्स होना ही होना है जे मेडिसिन लगातार नहीं चलनी। बिल्कुल, जिवें डायबिटीज की मेडिसिन है लॉन्ग रन चलेगी तो ठीक रहो, डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन की मेडिसिन जी लाइफ लॉन्ग चलती है, पर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर की मेडिसिन लाइफ लॉन्ग जरूरत नहीं होती, पर लंबा टाइम वैसे जरूरत होती है, लंबा टाइम है कि अब एक्सपर्ट है ना, यही चीज है कि जो एक्सपर्ट ही टेपर डाउन करे विदाउट डॉक्टर दे सजेशन तो दवाई नु बंद नहीं करना, बंद नहीं करना चाहिए, वो सब सेहत को और खराब वाले पास लेके जाना। कंबाइंड एफर्ट्स के नाल चलांगे तो पेशेंट बहुत ही सोहने तरीके दे नाल मैनेजेबल ठीक हो जाएगा, क्योंकि एक भी बहुत वड्डी मिथ है अपनी सोसाइटी दे विच कि अगर किसी भी तरह का कुछ मेंटल डिसऑर्डर है तो पता नहीं ठीक होएगा कि नहीं होएगा, सारा कुछ है ठीक होएगा कि नहीं होएगा, एंड लोग ये भी सोचते हैं कि मेंटल इलनेस का मतलब है कोई वीकनेस, कोई कमजोरी, जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई भी ड्यूटी कोई भी जरा मेंटली इल है दवाई खा के ठीक हो जाता है, मेंटल इलनेस है तो कुछ भी ऐसा काम कर सकते हैं कि नॉर्मल पर्सन कर सकते,
इफ यू टेक द प्रॉपर मेडिसिन कंसिस्टेंसी बनाई रखते हो डॉक्टर ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੇਜੇਬਲ ਹੈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਖੁਦ ਬੰਦ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ 3-3-4-4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਐਂਡ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਟਸਐਪ ਐਂਡ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਇਡ ਕਰੋ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੋਰ ਅ ਹੈਲਦੀ ਲਿਵਿੰਗ ਸਪੈਂਡ ਸਮ ਟਾਈਮ ਵਿਦ ਯੋਰਸੈਲਫ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਏਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੱਲ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਪਰ ਫੋਨ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਇਟਸ ਨਾਟ ਸੋ ਹੈਲਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੈਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਾਂਗੇ ਓਨਲੀ ਦੈਨ ਵੀਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਵਰਕ ਔਨ ਇਟ ਹੈਨਾ ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਪਾਏਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋਗੇ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਜਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਕੱਢਵਾਏ ਲਾਈਕ ਥੈਂਕ ਯੂ